नमस्कार, मैं कुमार प्रोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज इस वक्त हम आपको बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर बताने बैठे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, आप कह सकते हैं पिछले एक महीने से, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का, कयासों का बाजार गर्म है। और उस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने बैठे हैं। जी हाँ, लगातार चर्चा हो रही है, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में बने रहेंगे, क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी की ओर जाएंगे। अमित शाह जब आए बिहार दौरे पर, उनका तेवर जो है वो सॉफ्ट था नीतीश कुमार को लेकर। इस बीच बयान आ गया पशुपति कुमार पारस का, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, और उनका बयान आ गया कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत है। ढेर सारी बातें हो रही है, बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इस वक्त इस बीच सबसे बड़ी खबर आई है सामने, बीजेपी ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार ने उसके पास ये संदेशा भिजवाया था कि नीतीश कुमार को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। जी हाँ, नीतीश कुमार ने अपने करीबियों के जरिए बीजेपी के पास ये संदेशा भिजवाया कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। ये सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया है। हम आपको फिर कह दें, ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबियों के जरिए कई दफा ये मैसेज भिजवाया बीजेपी के पास कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। वे बिहार में फिलहाल जो सरकार चल रही है आरजेडी के साथ, उससे खुश नहीं है, नाखुश है, वे आरजेडी का साथ छोड़ देंगे, लिहाजा उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की गारंटी ले बीजेपी, तो वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार के करीबियों द्वारा दिए गए इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये दावा बीजेपी की ओर से आया है। और बीजेपी के जो पूर्व डिप्टी सीएम है, राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ये दावा किया है, उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि नीतीश कुमार के कई करीबियों ने बीजेपी से संपर्क साधा और कहा कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, वो बिहार में बीजेपी के साथ फिर से आने को तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगर सुशील मोदी का दावा सही है तो फिर आप मान सकते हैं कि बिहार के, आप समझ सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। वैसे जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज है, जो कुछ घटनाक्रम बिहार सरकार में हो रहा है, वो सब देखकर लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच रिश्ते जो हैं वो सहज बहुत नहीं है। जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वैसा अंदर हो नहीं रहा है। खबर ये नहीं, जो वो ये नहीं है जो दिखाई जा रही है, खबर ये वो है जो छिपाई जा रही है। उदाहरण के लिए आज ही आप देखें, जब नीतीश कुमार ने कल ही कैबिनेट की बैठक में ये कह दिया था कि वे सचिवालय के अलग अलग बिल्डिंग से, हम आपको बता दें कि बिहार का राज्य सचिवालय जहाँ पर मंत्री और उस विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव बैठते हैं, वो चार बिल्डिंग्स में बटा है। नीतीश कुमार ने कल ही कैबिनेट की बैठक में कहा था कि वो सभी भवनों में घूमेंगे और देखेंगे कि मंत्री समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज जब नीतीश कुमार जब निरीक्षण करने निकले विकास भवन का, जहाँ कई अहम विभागों के मंत्री और प्रधान सचिव या फिर अपर मुख्य सचिव बैठते हैं, तो आरजेडी के सारे मंत्री गायब थे। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि हम निरीक्षण करेंगे 9:30 बजे, और जब 8:30 बजे नीतीश कुमार पहुंचे तो आरजेडी के सारे मंत्री गायब थे। आरजेडी के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो दफ्तर नहीं आए थे। आरजेडी के गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता, वो दफ्तर नहीं आए थे। आरजेडी के कृषि मंत्री सरजीत कुमार, वो दफ्तर नहीं आए थे। आरजेडी के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, वो दफ्तर में नहीं थे। नीतीश कुमार उन ऐसे तमाम मंत्रियों के खाली चैम्बर को देख कर वापस लौट गए। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का नोटिस आरजेडी के मंत्री नहीं ले रहे हैं। ये हमने एक उदाहरण बताया है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की ओर से दावा आया है, बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के करीबियों ने आकर कहा कि नीतीश जी को किसी राज्य का राज्यपाल बना दीजिए, वे आरजेडी का साथ छोड़ेंगे। ढेर सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे ये पता चल रहा है कि आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच
सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन जिसको बनाने की नीतीश कुमार ने पहल की थी और उसके बाद आप देखेंगे पटना बैठक हुई और पटना के बाद जब दूसरी बेंगलुरु बैठक हुई वहां से जो नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ तो फिर दिल्ली में माफ करेंगे मुंबई की जो बैठक हुई वो सब तमाम बैठकों को जो आप देखेंगे तो वहां से देखेंगे कि नीतीश कुमार किस तरीके से नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से मोह भंग होता जा रहा है। एक दौर था ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2-3 महीने पहले की बात कि नीतीश कुमार जब मीडिया से इंटरेक्ट करते थे बात करते थे तो उनकी उनके हर प्रेस से बातचीत में मीडिया से बातचीत में विपक्षी पार्टियों गठबंधन की बात की जाती थी। आज की तारीख में नीतीश कुमार एक बार भी विपक्षी गठबंधन का नाम नहीं लेते हैं। बहुत सवाल अगर मीडिया ने पूछा तो उनका कहना होता है कि हाँ वो काम कर रहा है, काम चल ही रहा है। तो ये स्थिति है, मोह भंग नीतीश कुमार का हुआ इंडिया गठबंधन से, ये बात जग जाहिर है और इन सबके बीच बीजेपी का ये दावा आया सामने। लेकिन बीजेपी ने एक बात और स्पष्ट की है, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी किसी सूरत में नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने सुशील कुमार मोदी ने यह भी दावा किया है कि 90% जो जेडीयू के एमपी और विधायक हैं वो बीजेपी से कांटेक्ट करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के साथ किसी सूरत में समझौता नहीं करेगी। बीजेपी की हालत ये है कि अगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार के साथ जाने का कभी फैसला कर भी लिया तो बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं, जो जिनका दावा है कि अगर खुदा ना खास्ते, जो एग्जैक्ट वर्ड हम आपको बता रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ते बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ लाने का फैसला ले लिया तो बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। तो ये स्थिति है, ये ताजा अपडेट है, अभी तुरंत ये बातचीत अभी सामने आई है, सुशील कुमार का यह दावा सामने आया है, लिहाजा जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। लेकिन नीतीश कुमार का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है आप देखिए, पूरा बॉडी लैंग्वेज वो बदला हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जब महिला आरक्षण का बिल आया तो एक और संसद में ललन सिंह उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट किया, जो एक्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने बयान दिया, किसी बयान में बीजेपी के प्रति उनकी कोई तल्खी नहीं दिखी। आप हालिया दिनों में देखें एक बार भी बीजेपी पर, पिछले 10 दिनों की बात हम बता दें, एक बार भी बीजेपी पर कोई तीखा हमला नीतीश कुमार का नहीं हुआ। वैसे हम ये मान रहे हैं, मेरे जैसे लोगों का मानना है जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो ये कि नीतीश कुमार इसके बहाने आरजेडी पर प्रेशर बना रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, हमारे ऑप्शंस खुले हैं। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और इसमें सीट शेयरिंग होनी है, नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सीटिंग सांसद हैं और किसी सूरत में जो मौजूदा गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी है जिसके विधायकों की तादाद लगभग 2 गुनी है जेडीयू की, उसमें कांग्रेस है जिसके जिसकी मांग 10 सीटों की है, उसमें भाकपा माले है जिसका स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार और राजद दोनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, 12 MLA है उसके पास, 19 में से 12 MLA उसकी 19 सीटों पर लड़कर 12 MLA जीतने वाली CPI ML है जिसको भाकपा माले कह सकते हैं, इसकी मांग 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, CPI की मांग 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। तो किसी सूरत में नीतीश कुमार को 16 सीटें मिलती नहीं दिख रही है। तो नीतीश कुमार जो अभी फिलहाल बीजेपी से नजदीकी दिखा रहे हैं G20 सम्मेलन का सब जब लीडर हुआ उसके बाद से, तो इसका सीधा हमारे जैसे लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं अपने गठबंधन की पार्टियों पर कि अगर ज्यादा हम हमारी मांगों के साथ हमारे सीटिंग सीट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हमारे लिए दूसरा रास्ता भी खुला है। सुशील मोदी ने आज कहा, इस पर भी कहा कि किसी लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार को किसी सूरत में बीजेपी अपने साथ नहीं लेगी। तो हमारा भी यही मानना है कि नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार की पुरानी आदत रही है कि अपने सहयोगियों को डराना कि हम पलटी मार सकते हैं, हम पाला बदल के फिर से जा सकते हैं, 5-6 बार ऐसा कर चुके हैं, 7वीं बार करने में कोई हमको गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन
सुशील कुमार मोदी और बीजेपी का यह दावा कि वो राज्यपाल बनना चाहते हैं, ये बड़ी खबर है जो हमने आप तक पहुंचाई। इसी तरीके से और जो तमाम पॉलिटिक्स की जानकारी है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल में दीजिए इजाजत, नमस्कार। संजय मिश्रा जी धन्यवाद करना चाहूंगी। तो होम्स पैनोरमा शाम को सात बजे मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।